दोस्तों आज हम फिर से चैनल मैसेज लेके आ गए हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। दोस्तों आज की करंट एनर्जी में डीएम बहुत ही खुद को डिसअपॉइंट फील कर रहे हैं। रीजन यह है कि हमारी डिवाइन फेमिनाइन उन्हें समझ नहीं रही हैं। उसने खुद को डीएम से दूर करने की ट्राई तो किया ही था, अब वो ईगो में आ गई हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन को समझना ही नहीं चाह रही हैं। कल से आज में हमारे डिवाइन फेमिनाइन ने खुद को समझाया है और खुद पर वर्क भी स्टार्ट किया है, बट यहाँ वो थोड़ी सी ईगो में आ गई हैं और हमारे डीएम या डिवाइन मैस्कुलाइन को वो ईगो दिखा रही हैं। डिवाइन फेमिनाइन के ऐसे एटीट्यूड से डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो डिवाइन फेमिनाइन को समझाना चाह रहे हैं, बट हमारी डिवाइन फेमिनाइन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। कल डिवाइन मैस्कुलाइन नाइट में सो नहीं पा रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब फील कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें इनके माइंड में बर्डन की तरह चल रही थी, बट साथ साथ यह सोच कर परेशान हो रहे थे, जिसमें इन्हें खुशियां नज़र नहीं आ रही थी। उससे यह काफ़ी स्ट्रेस ले रहे थे और उनके माइंड में डिवाइन फेमिनाइन को लेकर यही चल रहा था, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो शायद मैं बहुत कुछ खो दूंगा और मैं ऐसा करता हूं तो डिवाइन फेमिनाइन के साथ इनजस्टिस भी होगा, और अगर मैं इनजस्टिस करता हूँ तो उसका बोझ मैं उठा नहीं पाऊँगा। सो वो एक बैलेंस लाने के बारे में सोच रहे थे। काफ़ी अकेलेपन को फील कर रहे हैं, साथ ही काफ़ी मिस कर रहे हैं हमारी डिवाइन फेमिनाइन को, बट काफ़ी ईगो भी है जो आड़े आ जाता है। फिर सोच रहे हैं मुझे एक बार उससे बात करना होगा, एक्शन लेना होगा। वो डिवाइन फेमिनाइन के पास आकर बात करने के बारे में सोच रहे हैं और काफ़ी अट्रैक्शन और जुनून, पैशनेट डिवाइन फेमिनाइन को पाने की बेचैनी और बेताबी बढ़ रही है, बट ईगो आड़े आ जाता है। वो इस दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और डिस्टर्ब है, यह हो क्या रहा है, बस यही सोच रहे हैं और फील कर रहे हैं ये कैसा रिश्ता है जो मुझे इतना महसूस कर रहा हूँ, मैं क्यों उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या हो रहा है, मैं थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ और मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता, मैं एक बैलेंस बनाना चाहता हूँ और दोनों को ही नहीं खोना चाहता। इट्स बीन डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में थर्ड पार्टी भी है। डिवाइन मैस्कुलाइन सोचते हैं कि मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ तुम्हें फील कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ मैं तुम्हें बताता नहीं हूँ, मैं खुद को रोकता हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि तुम परेशान हो और मैं तुम्हें परेशान करूं। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकता और पास्ट को भी याद करते रहे, पास्ट की चीज़ों को याद करते रहे कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन की चुटबुली हरकतें, उनके साथ बिताया हुआ टाइम भी उन्हें याद आ रहा है और बहुत ही प्यार अट्रैक्शन को वह स्ट्रॉन्गली फील कर रहे हैं और डिवाइन फेमिनाइन से मिलने की बेचैनी बढ़ रही है। उन्हें एहसास हो रहा है कि डीएफ की कमी और बहुत मिसिंग एनर्जी, आप कुछ खास हो उसे वो फील कर रहे हैं। एक्चुअल में उनकी लाइफ में कुछ इश्यू चल रहे हैं, उससे वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी इशू भी नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनका वर्क, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स, उनका एंगर, उनका अगर वो मैरिड हैं तो उनका पार्टनर, जिसके चलते वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं, गुस्सा और नाराज़गी भी बहुत है डिवाइन फेमिनाइन को लेकर, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन ना तो उनसे बात कर रही है और ना ही किसी भी तरीके से कनेक्ट कर रही है, जिसके चलते डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत फ्रस्ट्रेट फील कर रहे हैं और गुस्से से भरे हैं। सो डिवाइन मैस्कुलाइन के मूड में चेंजिंग आ रहे हैं, उनके मूड स्विंग हो रहे हैं, उन्हें हेडेक, डिप्रेशन और एंजाइटी भी फील कर रहे हैं। लाइफ में इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं जिनके चलते वो बहुत परेशान हैं और इन्हीं प्रॉब्लम्स के चलते वह डिवाइन फेमिनाइन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब डिवाइन फेमिनाइन उनसे दूर हुई
तब उन्हें एहसास हुआ कि उसके बिना उनकी लाइफ अधूरी है। अब उन्हें डिवाइन फेमिनिन का ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं हो रहा है और गुस्से में डिवाइन फेमिनिन की तरफ आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फीलिंग, लविंग एनर्जी, नाराज़गी, गुस्सा, ये सब उनमें आ रहा है। कभी गुस्सा हो रहे हैं, कभी नाराज़गी दिखा रहे हैं, कभी अनकंडीशनल लव को फील कर रहे हैं। वहीं डिवाइन फेमिनिन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। वो भी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। कोशिश कर रही है कि खुद को इस स्टक एनर्जी से बाहर रखे। वो जैसे कि हमने उन्हें समझाया था, वो इनर वर्क पर भी ध्यान दे रही हैं, बट फिर भी कहीं वो काफ़ी हाई अट्रैक्शन को फील कर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन के बिना नहीं रह पा रही हैं। जाना भी चाहती हैं, बात भी करना चाहती हैं, बट फिर भी एक कदम जैसे ही आगे बढ़ाती हैं तो वो भी ईगो में आ जाते हैं। इट्स मीन दोनों ही ईगो के चलते एक दूसरे से दूरी में हैं। वो यही सोच रही हैं कि वो अपनी लाइफ में, अपने वर्क में इतना बिजी हैं, मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे तड़प रही हूँ, वो देख ही नहीं पा रहे हैं। वो मुझे समझना ही नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं बस मुझे छोड़कर। फिर मैं क्यों उनको कनेक्ट करूं? मैं भी उनसे बात नहीं करना चाहती। वो अपनी लाइफ की ज़रूरी चीज़ों को ही हैंडल करें। मुझे ही खुद को बदलना होगा, क्योंकि वो तो बार बार ऑन ऑफ करते हैं, मुझे नहीं समझते हैं, मुझसे दिल खुलकर बात नहीं करते हैं, मुझे टाइम नहीं देते हैं, मुझे कॉल मैसेज नहीं करते हैं। जब उनका मन होता है तब ही करते हैं, और जब मेरा मन होता है तो उनके पास टाइम नहीं होता। फिर मैं क्यों उनसे बात करूं? उसे उनके हाल पर ही छोड़कर डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलाइन से मुंह मोड़कर बैठ गई हैं, और हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन डिवाइन फेमिनिन की तरफ मुड़ गए हैं। उन्हें कॉल मैसेज या मिलने का प्लान बना रहे हैं और जल्द ही आपको कनेक्ट करेंगे।